आज हम लोग उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। बोलेरो चोरी के मामले में 4 आरोपी अरेस्ट, फरार 2 आरोपियों की तलाश जारी। पंतनगर थाना क्षेत्र में हुई बोलेरो चोरी का आज पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी हुई बोलेरो सहित एक अन्य कार और सेंटर लॉक तोड़ने के उपकरण बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। विजयदशमी पर बद्रीनाथ कपाट बंद होने की तिथि हुई घोषित, 19 नवंबर को बंद होंगे कपाट। आज विजयदशमी पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकालीन के लिए बंद करने की तिथि घोषित कर दी गई है। 19 नवंबर को शाम 3:35 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकालीन के लिए बंद किए जाएंगे। टिहरी झील में मिला अज्ञात महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। टिहरी जिले के कंडीसौण तहसील क्षेत्र में बुधवार को टिहरी बांध झील में महिला का शव मिला है। महिला का अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाया। राजस्व पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। पौड़ी बस हादसे में मौत के मुंह से लौटे 2 युवक, बताया कैसे बची उनकी जान। पौड़ी बस हादसे में अभी तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में 2 युवक ऐसे भी हैं जो मौत के मुंह से वापस लौटे हैं। जब बस पलटकर खाई में लुढ़की तो उन्होंने छलांग लगा दी थी, जिससे उनकी जान बच गई। इतना ही नहीं, उन्हें खरोंच तक नहीं आई। उत्तरकाशी एवलांच 10 शव बरामद, 4 पर्वतारोहियों को किया रेस्क्यू, 20 की तलाश जारी। उत्तरकाशी के ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए निकला पर्वतारोहियों का दल हिमस्खलन की चपेट में आ गया था। उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा सेकंड पर्वत चोटी के पास हिमस्खलन की चपेट में आए 44 पर्वतारोहियों में से 14 को बचाया गया। वहीं SDRF और ITBP की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। 10 पर्वतारोहियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने मुआवजे की घोषणा भी कर दी है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये मिलेंगे। केदारनाथ धाम में मिलेगी त्रिपुति बालाजी मंदिर की तरह सुविधाएं। BKTC और TDD के बीच होगा MOU। पौड़ी बस एक्सीडेंट, दुर्घटना स्थल पहुंचे CM धामी, पीड़ित परिजनों से मिले मुआवजे की घोषणा, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। CM धामी आज पौड़ी के सिमड़ी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने बस दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। इस दौरान CM धामी ने पौड़ी बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात भी की। CM धामी ने स्थानीय प्रशासन को घायलों का त्वरित और समुचित उपचार करने के निर्देश भी दिए हैं। सुल्तानपुर गांव से लापता हुआ किशोर, परिजनों ने गुमशुदगी कराई दर्ज। सुल्तानपुर गांव से एक किशोर गुमशुदा हो गया है। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर गुमशुदा की तलाश तेज कर दी है। हरिद्वार में बैंक अधिकारी बनकर महिला से की ठगी, मुकदमा दर्ज। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक महिला से ठगी करने का मामला सामने आया है। एक शख्स ने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए उसके खाते से 59,000 रुपये उड़ा दिए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की तहकीक में जुट गई है। काशीपुर रामलीला मैदान में धूमधाम से मनाया गया दशहरा, जलाए गए रावण कुंभकर्ण के पुतले। तो काशीपुर में हर्षोल्लास के साथ दशहरा मनाया गया। काशीपुर के रामलीला मैदान में रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। अंकिता मर्डर केस, अंकिता के परिजनों से मिली अधिवक्ता दीपिका सिंह राजावत, केस लड़ने की कही बात। अंकिता मर्डर केस में दीपिका सिंह राजावत ने केस लड़ने की बात कही है। अधिवक्ता दीपिका सिंह राजावत ने कहा कि अंकिता का परिवार हामी भरे तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए परिजनों की मदद करेंगी। नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में दिल्ली सरकार का बड़ा अफसर गिरफ्तार, AV प्रेमनाथ का विवादों से रहा है नाता। नाबालिग छात्रा से द्वचार का प्रयास व छेड़छाड़ करने वाले आरोपित अफसर AV प्रेमनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के परिजनों ने DM वंदना सिंह से मिलकर बीते रोज इस मामले में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी थी। वहीं इस प्रभावशाली अधिकारी और उसकी पत्नी पर सरकारी जमीन कब्जाने सहित कई अन्य गंभीर आरोप भी हैं। देवस्थानम बोर्ड के बाद अब तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के विरोध में उतरे पुरोहित, दी चेतावनी। तो आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर अब केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं मुकम्मल की जाएंगी। इसे लेकर बद्री केदार मंदिर समिति और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के बीच MOU होने जा रहा है। इसका तीर्थ पुरोहितों ने विरोध शुरू कर दिया है। गुरुवार को कोर्ट में पेश होगा यूट्यूबर बॉबी कटारिया, दिल्ली से लाया गया जाएगा देहरादून। यूट्यूबर बॉबी कटारिया को गुरुवार को कोर्ट में पेशी हो सकती है। SSP दिलीप सिंह कुमार ने बताया कि 6 अक्टूबर को बॉबी कटारिया को देहरादून लाया जाएगा।
पूर्व प्रेमिका से उधारी वापस मांगना युवक को पड़ा भारी। युवती के बॉयफ्रेंड और दोस्त ने गोली मारी। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में 8 बदमाश गाड़ी में सवार होकर प्रेम नगर आश्रम के सामने एक ढाबे पर पहुंचे। इस दौरान बदमाशों ने वहां बैठे एक युवक को घसीटकर बाहर ले आए, जहां इन बदमाशों ने पहले युवक की जमकर पिटाई की और फिर उसे गोली मार दी। संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला युवक का शव, मेहमान के साथ पत्नी फरार। तो लक्सर में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला है, जबकि उसकी पत्नी भी गायब है। युवक के परिजनों ने पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका ये भी कहना है कि घटना को अंजाम देने के बाद उसकी पत्नी घर में आए मेहमान के साथ फरार हो गई। हरिद्वार में अखाड़ों ने दशहरों की धूम, शस्त्र पूजन कर मनाई विजयदशमी। शॉर्ट सर्किट के कारण झुग्गी में लगी आग, एक बच्ची झुलसी। तो हरिद्वार से खबर आई है, हरिद्वार में आज एक बार फिर शॉर्ट सर्किट के कारण हादसा हुआ है। हरिद्वार में शॉर्ट सर्किट के कारण एक झुग्गी में आग लग गई। बांसवाड़ा जंगल में हाथी के हमले से बुजुर्ग की मौत, खौफजदा लोग। तो रायपुर इलाके में एक बुजुर्ग पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। बारिश का रेड अलर्ट, तो प्रदेश में 6 और 7 अक्टूबर को रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने भारी बारिश की जताई आशंका। उत्तराखंड मौसम विभाग ने 6 और 7 अक्टूबर को प्रदेश में भारी बारिश की आशंका देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में कल और परसों उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में बारिश हो सकती है। कुमाऊं में भी बिजली गिरने की संभावना है। त्यौहार की खुशियां मातम बदली, सड़क हादसे में भाई बहन की मौत। हल्द्वानी में त्यौहार की खुशियां मातम में बदल गई। यहां दशहरे के दिन बाइक सवार भाई बहन सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद दोनों घरों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तरकाशी बुलाऊन, सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण कर लिया जायजा। उत्तरकाशी के द्रौपदी कटांडा सेकंड में एवलांच की घटना के बाद रेस्क्यू अभियान जारी। अभी तक 10 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 14 लोगों को बचाया जा चुका है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बचाव और राहत कार्यों का हवाई सर्वेक्षण का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा गंगोत्री और यमुनोत्री कपाट धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित। तो गंगोत्री धाम के कपाट 26 अक्टूबर को बंद होंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट 27 अक्टूबर को बंद होंगे। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथियां भी घोषित हो गई हैं।